हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है और एक ही क्वेश्चन मुझसे बार बार कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है, जो भी समझें आप इसे। मैं आज अपने दिल की बातें आप लोगों से करने जा रही हूँ और बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज मैं बेडरूम में बैठी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दिल की बातें आज आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार काफ़ी लोगों ने पूछा है और एक ही क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता रहा है कि आप गांवों से हो, या फिर ये लगा लीजिए कि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये मतलब कहा है, या कुछ लोग सिर्फ नेगेटिविटी से जो भरे पड़े हैं ना, उनको सिर्फ यही काम है कि कौन सा यूट्यूबर पकड़े और उन्हें नेगेटिव कमेंट करें। तो मैं आज आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे इंस्टा पे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि आप गांव से हो, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ मैं गांव से हूं और गांव में भी इंसान ही रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी सिर्फ ऐसी है कि गांव है गांव है, यार गांव है तो क्या हो गया, इतना बड़ा इश्यू क्यों है। गांव में भी इंसान बसते हैं, गांव में भी हर तरह के लोग होते हैं, गांव में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। और ये सारी दुनिया सिर्फ अच्छे इंसानों से तो भरी नहीं पड़ी है, ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव इंसान भी है कुछ पॉजिटिव इंसान भी है और हर तरह के इंसान आपको आसपास मिल जाएंगे। आई एम श्योर काफी लोग कहते हैं कि तुम गाँव से हो तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगी, तुम गाँव से हो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, कोई नहीं देखना चाहता है गाँव के व्लॉग, गाँव के क्या लाइफ स्टाइल है और गाँव के लोगों को कोई नहीं देखता है। कुछ लोग सिर्फ यही कमेंट्स करते रहते हैं कि अभी भी आज लोग मतलब चांद पे जा चुके हैं और अभी भी लोगों के मन में सिर्फ वही घिसी पिटी दकियानुसी बातें हैं कि अगर कोई गांव से है तो वो कामयाब हो ही नहीं सकता है। देखिए टैलेंट कभी भी गांव या शहर में इन सब चीजों का मोहताज नहीं होता है। आई एम श्योर जो मेरी यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं, सभी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे समझते होंगे। मेरी जो 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो गई है वो ऐसे ही तो नहीं होगी, है ना। मैं मानती हूँ मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और आगे भी मैं करती रहूंगी। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है कि गाँव से होना कौन सी बुरी बात है, या गाँव से होना तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, तुम ये हो तुम वो, पता नहीं यार क्या क्या बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं। सामने वाला का टैलेंट बिल्कुल नहीं देखती है, वो ये देखती है कि इनमें कमी क्या है। चाहे वो गाँव से हो चाहे शहर से हो, टैलेंट कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। टैलेंट जो झुग्गी बस्ती में लोग रहते हैं उनमें भी होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए और नेगेटिविटी को फैलाना बंद कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे कमेंट मत कीजिए। गांव से बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हिसाब से अपने जो भी उनमें टैलेंट है उनके अकॉर्डिंगली वो अपना करियर चूज करते हैं, तो इसमें क्या बुराई क्या है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं कि आप गाँव से हो आपको ये कामयाबी नहीं मिलेगी। गाँव में भी इंसान रहते हैं यार, आपको समझ में नहीं आता क्या। प्रिया दीप जी भी गाँव से है, मेघा जो कि वो भी गांव से बिलोंग करती हैं जहां तक मुझे अभी तक सुनने में आया है, तो इसमें कोई इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है कि तुम गांव से हो तो तुम कामयाब नहीं होगी। यार मेरा हार्डवर्क मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे पता है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मुझे तरक्की जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी। इस मतलब लाइन में अगर मैं आई हूं तो कुछ सोच समझ कर ही आई हूं। और हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था मुझसे कि क्या आपके आप गांव से हो, क्या आपके इन-लॉज आपको सपोर्ट करते हैं, क्या आपकी फैमिली में सपोर्ट करते हैं। तो देखिए मैं पूरी फैमिली की बात तो नहीं करती, बट हाँ मेरे सास ससुर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे इस चैनल से। मेरी सास ससुर को पता है, वो जानती हैं कि मैं यहाँ पर चैनल है मेरा यूट्यूब पर और मैं वीडियोज बनाती हूँ, डेली वीडियोज अपलोड करती हूँ, तो उनको पता है। उनसे छुपा कर मैं कुछ करना भी नहीं चाहती थी और ना ही मुझे छुपा कर करना आता है, ना ही मैं उन लोगों में से हूँ कि चोरी छुपे बनाऊँ। मुझे जो कहना है मुझे जो करना है मैं खुलेआम करती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे किसी से डर लगता है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी और अदर पर्सन को प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरे इन लोगों को मालूम है और वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बस यही कुछ सवाल थे जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो और आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो देखिए मेरी फैमिली में मुझे सभी सपोर्ट करते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे सपोर्ट नहीं करता हो। मेरे इवन मेरे यहाँ तक कि मेरे ब्रदर, मेरे
मम पापा यानी कि मेरे मायके में जो फैमिली है वो भी मुझे पूरी सपोर्ट करती है। आप लोग ही हैं जो हमें कामयाब बनाएंगे और हार्डवर्क हमारा होगा, ऑफकोर्स मेहनत मेरी है और सपोर्ट आपका होगा, तो मैं भी एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊंगी। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर ऐसे ही कीजिएगा जैसे आपने बड़े यूट्यूबर्स को किया है। और मुझे ये भी पता है कि जैसे कि बड़े यूट्यूबर्स भी कभी ना कभी तो छोटे थे, कभी ना कभी उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था और आज आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही वो इतने बड़े यूट्यूबर्स बने हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी लोग ये सोचते हैं कि हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो प्लीज गाइज हम छोटे यूट्यूबर्स को भी बड़ा आप ही बनाएंगे और आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, बस कुछ नहीं और आपकी दुआ चाहिए। और अगर आप मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा, बहुत ही वेलकम करती हूँ मैं आपके सजेशंस का, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके सजेशंस जानना, आपके कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है, मोटिवेशन मिलती है कि वाकई मेरी वीडियोज को आप लोग पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।